हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है विशाल निगम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो फाइल किस प्रकार का कटिंग टूल है? तो इसका आंसर है फाइल एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्क पीस का फाइनल साइज तैयार करने के लिए किस फाइल का यूज़ करते हैं? तो वर्क पीस का फाइनल साइज तैयार करने के लिए हम डेड स्मूथ फाइल का यूज़ करते हैं। डेड स्मूथ फाइल लगा करके हम उसे फाइनल साइज देते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, फाइल के द्वारा वर्क पीस की सरफेस से किस प्रकार धातु हटाई जाती है? तो फाइल के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में धातु काटी जा सकती है, जो कि छोटे छोटे कणों के रूप में पाउडर फॉर्म में बुरादे जैसे हटती है। तो ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, चार नंबर, फाइल प्रायः किस धातु से बनाई जाती हैं या किस धातु की बनी होती हैं? तो फाइल प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनी होती हैं। साधारणतया जो फाइल होती है हमारी रेती, वो हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि फाइल की बॉडी पर कौन कौन सी हीट ट्रीटमेंट किए होते हैं? तो जो फाइल की बॉडी होती है, जो उसके वर्किंग एरिया होता है, मतलब जो उसके दांत होते हैं, दांते, उस एरिया को हम हार्ड व टेम्पर कर देते हैं, और उसका जो पीछे का हिस्सा होता है टैंग, उसे हम नहीं हार्ड करते हैं, उसको मुलायम छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी से रिलेटेड है, फाइल का सबसे मुलायम भाग कौन सा होता है और क्यों? तो फाइल में जो फाइल के बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो टैंग जो होता है फाइल का, उसे सॉफ्ट रखा जाता है ताकि जब हम हैंडल फिट करें तो टैंग टूटे ना, क्योंकि जब हम हैंडल फिट करते हैं तो ठोक करके टैंग उसमें ठोकते हैं तो टूट ना जाए, इसलिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सात नंबर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, हार्ड मटेरियल को किस कट वाली फाइल से काटते हैं? तो हार्ड मटेरियल को डबल कट फाइल से काटते हैं, क्योंकि इससे मटेरियल ज़्यादा हटाया जा सकता है आसानी से। इसके द्वारा अधिक मात्रा में मटेरियल सरफेस से काट कर हटाया जा सकता है, लेकिन जो सरफेस फिनिश है वो हमारी स्मूथ नहीं आती है, सरफेस हमारी खुदरी रहती है। अब अगला क्वेश्चन जो है, डबल कट फाइल का जो टीथ होते हैं, दांते होती हैं, उसका एंगल कितना होता है? तो जो डबल कट फाइल होती है उसमें दोनों तरफ से क्रॉस बनते हैं, जिसके वजह से उसके टीथ तैयार होते हैं। तो जो उसका पहला साइड का एंगल होता है वो 70 से 75 डिग्री के बीच में होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको डिटेल मिलेगी, लेकिन अमूमन 70 से 75 डिग्री के बीच में एक साइड का कोण होता है, और दूसरा जो होता है जो उसको क्रॉस काटते हुए जाता है वो 45 से 50 के बीच में होता है, 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होता है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर कह रहा है, मुलायम व चिमड़ वस्तुएं जैसे रबड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये, रबड़ आदि को फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हम रबड़ आदि की फाइलिंग करने के लिए हम रास्प कट फाइल का यूज़ करते हैं। रास्प कट फाइल होती है, इसे हम यूज़ करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कट के आधार पर, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप देख लीजिए, यहाँ पर कट के आधार पर फाइल कितने प्रकार की होती है, हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है, कट के आधार पर फाइल निम्न प्रकार की होती हैं, नंबर एक सिंगल कट, नंबर दो डबल कट, नंबर तीन रास्प कट, नंबर चार सर्कुलर कट, नंबर पाँच स्पाइरल कट। तो यहाँ पर ये इतने तरह की फाइलें होती हैं। तो कह रहा है, फाइलिंग करने के प्रकार कितने होते हैं, मतलब हम कितने तरीके से फाइलिंग करते हैं जब एक जॉब को तैयार करते हैं, तो किस किस तरह से हम फाइलिंग करते हैं? तो हम पहली बात तो नंबर वन स्ट्रेट फाइलिंग करते हैं, स्ट्रेट फाइल कहलाते हैं। उसके बाद नंबर टू क्रॉस फाइल कहलाते हैं, उसके बाद ड्रॉ फाइलिंग करते हैं, और तीसरा कर्व, मतलब जो हमें कहीं पर कोने को सर्कुलर करना होता है या तो वहाँ पर हम कर्व फाइलिंग करते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव वगैरह बनाने में कर्व फाइलिंग हम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकार के आधार पर फाइल कितने प्रकार की होती है, मतलब जो उसका शेप होता है उसके आधार पर कितनी फाइलें होती हैं, किस तरीके की फाइलें होती हैं, कितनी होती हैं, तो वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली फाइल जो है वो
फ्लैट फाइल है, दूसरी ट्रायंगुलर फाइल है जो तीन कोने की होती है, उसके बाद स्क्वायर फाइल जो हमारी चौकोर फाइल होती है, उसके बाद चौथी फाइल सेफ एज फाइल जिसको हम लोग हैंड फाइल भी कहते हैं, जिसमें एक तरफ हमारा चिकना होता है, उधर कोई दांते नहीं कटे होते हैं, जो दोनों फेस होते हैं मतलब दोनों तरफ उधर तो होते हैं लेकिन जो साइड में एज होती है वहाँ पर दांते नहीं होते हैं, और वो हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा कहीं पर ऐसी सरफेस होती है जो कहीं ग्रूव है और हम चाहते हैं कि हमारी केवल एक ही तरफ का मटेरियल कट के हटे, दूसरी तरफ की सरफेस हमारी ख़राब ना हो, वहाँ पर हम इस तरीके की फ़ाइल का यूज़ करते हैं। अब आगे है वार्डिंग फाइल, नाइफ एज फाइल, उसके बाद पिलर फाइल, फिर मिल फाइल, उसके बाद निडल फाइल। निडल फाइल हमारी जो होती है वो स्पेशल तरीके की छोटी छोटी फाइलें होती हैं, जिसमें हमारी ये फ्लैट फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, ये सारी फाइलें होती हैं उसमें, और वो छोटी छोटी होती हैं बिल्कुल महीन सी, जो बहुत ही हल्के वर्क में, जो बहुत ही प्रिस्क्राइब वर्क होता है माइक्रॉन्स में, वहाँ पर यूज़ करी जाती हैं। 13 नंबर जो कह रहा है सिंगल कट फाइल के टीथ का एंगल कितना होता है, तो जो सिंगल कट फाइल होती है उसका जो नॉर्मली एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि ग्रेड के आधार पर रेती कितने प्रकार की होती है, मतलब ग्रेड के अकॉर्डिंग फाइल कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स हैं आपको बताना है। तो फाइल जो होती हैं ग्रेड के आधार पर निम्न प्रकार की होती हैं, नंबर एक रफ फाइल, नंबर दो कोर्स फाइल, नंबर तीन बास्टर्ड फाइल, नंबर चार सेकेंड कट फाइल। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सेकेंड कट और डबल कट, जिसको हम लोग सिंगल कट डबल कट फाइल जो आती हैं, तो ये जो सेकेंड कट फाइल है इसको बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसको सेकेंड कट फाइल को कट के आधार पर उधर उसमें कर देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सेकेंड कट फाइल जो है वो एक ग्रेड है, ना कि एक कट का टाइप है, ठीक है। तो सेकेंड कट फाइल, उसके बाद यहाँ पर स्मूथ फाइल, और उससे जो और अच्छी होती है वो डेड स्मूथ फाइल, जो हम सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं जॉब को फाइनल टच देने के लिए, उसे हम डेड स्मूथ फाइल से फाइनल करते हैं। और अब यहाँ पर हमारा 15 और लास्ट क्वेश्चन, फाइल में फेरुल का उपयोग क्या होता है, जो फाइल में फेरुल लगा होता है। तो अगर आपको फेरुल नहीं पता है तो आप मेरी एक फाइल पर एक पूरी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई जिसमें मैंने फाइल के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो आप प्लीज़ वाली वीडियो ज़रूर देखें, तो वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स पता चल जाएंगे फाइल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फाइल में जो फेरुल होता है, तो यहाँ पर जो फेरुल है, फेरुल का उपयोग फाइल में हैंडल फिट करते समय टैंक को ठोकते हैं, तो जो फेरुल होता है, फेरुल लगने से हैंडल जल्दी फटता नहीं है, क्योंकि जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक या वुड लकड़ी के बने हुए होते हैं, तो वो आसानी से फट जाते हैं जब हम उसमें टैंक फिट करते हैं, इसलिए हम उसमें फेरुल लगा देते हैं हैंडल में, ताकि हमारा हैंडल फटे ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरीके की और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।